फ्रेंड्स, और हम पहुंच चुके हैं केरला 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 केरल। और जो शानदार व्यू आप देख रहे हैं, मैं आपको देखिए शानदार नज़ारा। और लोग बीच पर जाते हैं गोवा के, केरल के, और हमारा भी प्लान था पहले बीच पर जाने का, लेकिन जब हमें ये प्रॉपर्टी दिखी और हमें प्रॉपर्टी को हमने पहले ऑनलाइन, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इससे ज़्यादा बेटर ये प्रॉपर्टी होगी। और आप देख सकते हैं हवा इतनी तेज़ है, मैं आपको बता नहीं सकता स्पीड, आई थिंक 40 के आसपास स्पीड होगी हवा की, 30-40 के आसपास होगी। शानदार व्यू। और इस प्रॉपर्टी का जो प्लस पॉइंट है वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, 250 मीटर लंबा पुल। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कभी सुना होगा या नहीं, मैं पहली बार देख रहा हूँ। 250 मीटर लंबा ये पुल है, बेल्टिंग पुल। और ये जितने भी मैदान हैं, ये सब बेल्टिंग पुल है। देखने का जो मिला है वो है ये वाला, दोनों मजे। रूम से निकलो सीधा पुल में, और रूम से निकलो शानदार प्रॉपर्टी है। मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली ही 2 या 3 दिन पहले जो अवार्ड अनाउंस हुए हैं, उसमें टूरिज्म अवार्ड जो अनाउंस हुए हैं, उसमें इस रिज़ॉर्ट को केरला का लीडिंग रिज़ॉर्ट, यानी केरला का बेस्ट रिज़ॉर्ट आप कह सकते हैं, उसका अवार्ड इस रिज़ॉर्ट को मिला है। और इससे पहले भी ये रिज़ॉर्ट बहुत सारे अवार्ड जीत चुका है। ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ जो हैं अगर केरला का रुख करते हैं तो वो कुमारकोम लेक रिज़ॉर्ट पर ही आते हैं, और उसकी वजह आप देख रहे हैं। हवा की आवाज़ अगर आपको आ रही हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टाइम हवा की स्पीड क्या हो। और मैं आपको कैसे दिखाऊँगा, अभी देखिए ये बहुत बड़ा पेड़ है, और अब ये देखिए इस पेड़ की ये मोटी डालियाँ किस तरह से उड़ रही हैं हवा के स्पीड से। वो सामने देखिए वो छोटा सा पेड़, और पूरा फोल्ड हो चुका है। तो पता नहीं हवा कहाँ से आ रही है, पर जहाँ से भी आ रही है अच्छा है, हवा आती रहनी चाहिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो अभी बज चुके हैं शाम के 5, और हम लोगों ने टी ब्रेकफास्ट कर लिया है। और मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये जो व्यू, ये है वेम्बनाड लेक का, और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा शाम का। और यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही है, और जो मौसम है वो दिल्ली के मुकाबले बहुत बेटर है, हम लोग दिल्ली से आए हैं तो दिल्ली में बहुत उमस भरी गर्मी अभी
चल रही है। हालांकि अब धीरे धीरे कुछ डाउन हो रहा है, लेकिन अभी भी गर्मी है। लेकिन हमें लगता था केरल में भी शायद गर्म ही होगा, लेकिन यहाँ जब से हम आए हैं सुबह से, तब से मौसम ऐसा ही बना हुआ है। आप देखिए बादल लगातार बने हुए हैं और ये लेक के पास हम लोग हैं और शानदार नज़ारा ये झील का, ये देखिए कितनी शानदार प्रॉपर्टी है। ये इनका सी फूड रेस्टोरेंट है, बेसिकली सी फूड स्पेशलिस्ट है। हालांकि इस प्रॉपर्टी में दो रेस्टोरेंट हैं, एक मल्टी क्यूजिन और एक ये सी फूड और विद बार। और यहाँ पर एक अच्छी बात है, बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है करने के लिए। और इस प्रॉपर्टी ने अपने कल्चर को बहुत संभाल कर रखा है। और तो मैं देख पा रहा हूँ कि हर जगह केरल का जो बेसिक कल्चर है वो हर जगह देखने को मिल रहा है। और ऐसा लगता नहीं कि हम किसी बहुत हाईफाई प्रॉपर्टी में जाने के बाद जैसी फीलिंग आती है, वैसा नहीं। लेकिन हाईफाई भी है, फाइव स्टार भी है। और कल्चर को जिस तरह से संभाल कर इन्होंने रखा है वो काबिले तारीफ। देखिए जगह जगह पर इस तरह की कैनाल जो है प्रॉपर्टी के अंदर से निकल रही है, आप देख सकते हैं। और एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा था वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी जब मैं सुबह प्रॉपर्टी पर पहुँचा तब मैंने इसको नोटिस किया। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। ये मुझे कमेंट में कर बताइए कि ये किस चीज़ की कलाकृति है और किस घटना पर या हमारे पौराणिक जो कथाएं सनातन धर्म की किस कथा से जुड़ी है। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर तमाम आप देख सकते हैं कल्चर को, जैसे मैंने बोला, संभाल कर रखा हुआ है। पूरे प्रॉपर्टी में इस तरह की कलाकृतियाँ बनाई गई हैं और ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और मैं इनका जो ट्रॉफी सेक्शन है वो भी आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। ये रिजॉर्ट थर्ड फर्स्ट, ये तमाम ट्रॉफीज अवार्ड सब यहाँ पर मिलेंगे आपको। और एक बहुत ही खास चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, इतना शानदार ये बनाया गया है। और शायद ही पहले कभी किसी प्रॉपर्टी में ऐसा कुछ हमने देखा हो, लेकिन ऐसा कुछ कहीं तो देखा है। आप याद कीजिए, कहीं कुछ को किसी मूवी में कुछ इससे ऐसा नहीं, पर इससे मिलता जुलता कुछ आपने ज़रूर देखा होगा किसी मूवी में। आप याद कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए, और अगर नहीं बता पाए तो मैं आपको बताऊंगा कि इससे मिलता जुलता कुछ हमने किसी मूवी में देखा। ये देखिए, इस पर गौर कीजिए, द 150 ईयर ओल्ड एराविथल मेड ऑफ मोरेसिस वुड, अंजीरी वुड। ये नाम मैंने पहली बार सुना है किसी वुड का, लेकिन आप ये डोर देखिए, इतना शानदार है। और ये कैनाल जो मैंने आपको बताया, वो वहाँ पर, वहाँ का जो सेक्शन आप देख रहे हैं सामने, वहाँ पर ये लोग टी, इवनिंग टी विद स्नैक्स का जो अरेंजमेंट होता है वहाँ ओपन एरिया में लेक के किनारे होता है। और बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है, मौसम और भी शानदार है। और भी अपडेट के लिए लगातार आपको दिखाता रहूँगा। अभी हम लोग 3 दिन यहाँ हैं, ये हमारा फर्स्ट डे है, अभी 2 दिन और हैं हमारे पास। तो पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करेंगे और हर चीज़ को बारीकी से दिखाएंगे, कोशिश करेंगे बारीकी से दिखाने की जो अब तक के
किसी भी ब्लॉग में इस प्रॉपर्टी को लेकर नहीं दिखाया गया। हम कोशिश करेंगे कि आपको हम इस ब्लॉग में दिखाएंगे। फोटो खींचो, आप खींचो। तो अभी हम ब्रेकफास्ट के रेडी हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और आज इस प्रॉपर्टी को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और दिखाऊंगा इस प्रॉपर्टी की वो सारी जगह, ये फ्रेम कितनी है, इस प्रॉपर्टी की वो सारी जगह जहां आपको ज़रूर जाना चाहिए, वो सारी जगह जहां बच्चे एंजॉय कर सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं, आपकी फैमिली एंजॉय कर सकती है। और ये ऐसे दिस इज फुल साइज मिरर। बाय। और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए और ये पीहू अपनी मम्मा के साथ। हम अपने विलास से जब इस छोटे से ब्रिज को क्रॉस कर आए सामने, यहाँ आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट, रिसेप्शन, हेल्थ क्लब एंड आयरोमा व्हाट इज़ दिस। और ये देखिए कितना शानदार इन्होंने ये बनाया हुआ है पाथ। यहाँ सम स्विमिंग पूल इंस्ट्रक्शंस, वाओ। और ये देखिए और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रेकफास्ट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। Thank you.
पोंगल। यहाँ पास में आप देखिए एक छोटी सी जो कैनाल है वो इस पूरी प्रॉपर्टी में है, और आइटम्स फॉर लाइक बल्टी कॉफी दिस इज पुट्टू एंड इडली। You can see this is the old typical bag or more thing. चिड़िया को देख लो, पर ये इसे ना आगे नहीं जाते, गिर जाते हैं इसको, इसलिए बोल। तो ये वाला पार्ट हम लोग यहीं खत्म कर रहे हैं, और अगले पार्ट में हम आपको दिखाएंगे कि इस रिज़ॉर्ट में कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ आकर रुकते हैं। तो देखते रहिए राम ठाकुर यात्रा।